हमीरपुर नगर परिषद की बैठक नगर परिषद की अध्यक्षता सुलोचना देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी वार्ड पार्षदों और कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान एक नक्शा और वार्ड नंबर एक में निजी एजुकेशन सोसाइटी खोलने के लिए NOC दी गई। मुख्य रूप से शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने और इसके पैसे लेने के निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं, क्योंकि वार्डो में कुछ लोग कूड़ा उठाने के पैसे नहीं देते हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में बढ़ती सीवरेज लीकेज की समस्या को ठीक करने के लिए IPH विभाग को निर्देश दिए गए हैं। गलियों या सड़कों के किनारे पेयजल पाइपों से होती लीकेज पर भी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में मौजूद IPH विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस समस्या को नजरअंदाज न करें, इसे गंभीरता से लें और जल्द समस्या का समाधान करें। सब्जी मंडी के पास 3 से 4 दुकानों की मुरम्मत के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। नगर परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने कहा कि बैठक में दुकानों की सब लाइटिंग होने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में हमीर उत्सव को सफल बनाने के लिए सभी वार्ड पार्षदों से आह्वान किया गया। इस मौके पर EO विनोद कुमार, वार्ड पार्षद अनिल कुमार, अनिल सोनी, रीता खन्ना, राजेश कुमार, अश्विनी शर्मा, मनोरमा लखनपाल, आशा रानी, वीना कुमारी, कुंतला देवी, संदीप भारद्वाज, मनोज कुमार, विधि चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। मीटिंग थी, मैं भी मुझे भी जाने का मौका मिला और उनकी जो पिछली कार्रवाई थी और आगे आने वाले MC क्या कर रही है, तो उनके कई प्रकार के बीच में मुद्दे थे। उन मुद्दों का सभी का हमने हल किया। कईयों की परमिशन थी, कईयों की नालियां वगैरह या पानी की समस्या थी, उसको मैंने उनको डायरेक्शन दिया कि जल्दी से जल्दी। और खासकर हमने जो ज़्यादा जोर दिया है, जो पानी की जो लीकेज है, पाइपें हमारी जो ख़राब है और जगह जगह पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ये भी वहाँ बुलाया होता हमने, उसको हमने हिदायत दी है कि कम से कम जो लीकेज है उसको युद्ध स्तर पर बंद किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमें पानी की समस्या से जूझना पड़े। तौर पर हमारे वहाँ वार्ड नंबर एक में डोर टू डोर जो कचरा था कलेक्ट करने का चला हुआ प्रोग्राम, लेकिन अभी इसको स्ट्रिक्टली पूरे प्रदेश में, और कल ये फैसला ले गया हमीरपुर जो म्यूनसिपल कमेटी है, सारी की सारी डोर टू डोर जो कूड़े की जो है वो कलेक्शन की जाएगी और जो भी डंपिंग है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहाँ भी जितने भी ड्रम रखे हैं, ड्रम के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा रहता है और कई कई दिन वो ड्रम नहीं उठाया जा सकता है, तो इस वजह से हमने उस सिस्टम को बंद करने के लिए घर से ही कूड़ा जो है वो कलेक्ट किया जाए, इसको युद्ध स्तर पे और कंप्लीट हिमाचल जो हमीरपुर की हमारी म्यूनिसिपल कमेटी एरिया है उसमें लागू किया जाएगा, ये कल मीटिंग में तय हुआ है।